Good morning to all. Welcome to Residential DAPS online classes. Our YouTube link is DAPS School Purnia. Myself Kiran, here to teach computer for class 3, and our second lesson is computer system, input device and output devices. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर सिस्टम. कंप्यूटर सिस्टम, तो अ कंप्यूटर सिस्टम एक्सेप्ट्स इनपुट डाटा एंड कमांड, प्रोसेसेस इट एंड गिव द आउटपुट. कंप्यूटर सिस्टम क्या है? कंप्यूटर सिस्टम जो डाटा और कमांड इनपुट डिवाइसेस के थ्रू दिया जाता है, उस कमांड को प्रोसेस करके आउटपुट डिवाइस में देना है ना. फॉर एग्जाम्पल, इन जूसर ऑरेंजेस आर इनपुट इनटू द जूसर. जूसर प्रोसेसेस द ऑरेंजेस टू एक्सट्रैक्ट देयर जूस एंड द एक्सट्रैक्टेड जूस इज द आउटपुट ऑफ प्रोसेसिंग. सपोज जो ऑरेंज है वो हम लोग जूसर में डालते हैं और जूसर से में जूसर क्या करता है, ऑरेंजेस को से जो जूस निकाल लेता है और जूस जो निकल जाता है वो हमारा आउटपुट होता है. तो इनपुट क्या हुआ? इनपुट ऑरेंज हुआ. प्रोसेसर प्रोसेस कौन किया? प्रोसेसर जो हुआ वो हमारा जूसर है और जो आउटपुट है वो हमारा जूस है, ऑरेंज जूस. ओके, उसके बाद इन अ कंप्यूटर यू इनपुट डाटा एंड कमांड इनटू द कंप्यूटर. डाटा और कमांड्स कंप्यूटर में देते हैं, उसके बाद कंप्यूटर प्रोसेसेस द इनपुट डाटा एज पर कमांड. और जो कंप्यूटर्स है, जो डाटा हम देते हैं, जो इनपुट हम डालते हैं, उसके अकॉर्डिंग टू जो आंसर आता है वो होता है हमारा आउटपुट. द कंप्यूटर देन शोज द आउटपुट और द रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग टू यू. उसके बाद है इनपुट. इनपुट मीन्स डाटा, वर्ड, साउंड, नंबर एक्सेट्रा. एंड कमांड मीन्स इंस्ट्रक्शन दैट यू एंटर इनटू द कंप्यूटर. जो हम कमांड कैसे देते हैं, माउस के थ्रू या कीबोर्ड के थ्रू जो कमांड हम लोग कंप्यूटर को देते हैं. ठीक है, प्रोसेसिंग. प्रोसेसिंग इज द वर्क दैट द कंप्यूटर डज इनटू द इनपुट ऑन द इनपुट टू कन्वर्ट इट इनटू आउटपुट. प्रोसेसिंग वो वर्क है जिसमें कंप्यूटर में वर्क होता है इनपुट को आउटपुट में चेंज करने में. उसके बाद आउटपुट और इन्फॉर्मेशन रिफर्स टू द फाइनल रिजल्ट. और आउटपुट या फिर जो इन्फॉर्मेशन हमको या फाइनल जो रिजल्ट हमको जो मिलता है वो हमारा आउटपुट होता है. उसके बाद इनपुट डिवाइस. इनपुट डिवाइस क्या है? द कंप्यूटर पार्ट्स दैट हेल्प्स यू टू एंटर इनपुट द कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस. जो कंप्यूटर पार्ट हम लोग को कंप्यूटर में कमांड देने में हेल्प करते हैं वो इनपुट डिवाइस होता है. वो कौन कौन से होते हैं? कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन आर सम इनपुट डिवाइसेस. ये कुछ इनपुट डिवाइसेस हैं जिनके थ्रू हम लोग कमांड कंप्यूटर को देते हैं, इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देते हैं. उसके बाद कीबोर्ड. यू कैन प्रेस द कीज ऑफ कीबोर्ड टू टाइप वर्ड्स, नंबर्स, साइंस एंड सेंटेंसेस ऑन द कंप्यूटर. कीबोर्ड के थ्रू हम लोग कीबोर्ड पर हम लोग टाइप करके किसी भी वर्ड्स को, नंबर्स को या फिर साइन को, सेंटेंसेस को हम लोग लिखते हैं. इन दिस वे वी गिव इनपुट थ्रू द कीबोर्ड कीज. और इसके लिए हम लोग कीबोर्ड कीज में कीबोर्ड कीज को हेल्प लेते हैं. ये कीबोर्ड कीज में किस टाइप के कीज होते हैं? नंबर कीज होते हैं. नंबर कीज हेल्प टू टाइप नंबर्स. नंबर्स कीज हमको क्या करता है? नंबर टाइप 1, 2 जो नंबर रहता है ना वो टाइप करने में हेल्प करता है. उसके बाद अल्फाबेटिकल की.
अल्फ़ाबेट की हेल्प टू टाइप वर्ड्स एंड सेंटेंस, अगर हम कोई भी सेंटेंस या वर्ड्स लिखते हैं तो उसके लिए हमको अल्फ़ाबेट की चाहिए। स्पेस बार स्पेस कीज, बैक स्पेस कीज, बैक स्पेस की क्या होता है, डिलीट जो हम लोग लिखते हैं उसमें कुछ अगर मिस्टेक्स आ जाता है तो उसके लिए हम लोग बैक स्पेस कीज से उसको डिलीट करते हैं, इरेज करते हैं, हटा देते हैं, मिटा देते हैं, ठीक है। उसके बाद डिलीट ऑल द राइट ऑफ द कर्सर, जिधर बैक स्पेस कीज में जिधर हम लोग एरो लगाते हैं वहाँ तक उसको वो डिलीट कर देता है। उसके बाद है न्यूमेरिक की पैड हेल्प्स टू टाइप नंबर, और उसके बाद जो न्यूमेरिक की होता है वो भी नंबर को ही टाइप करने में हेल्प करता है। इंटर की टेक्स द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन, एंटर की से हम लोग एक लाइन से दूसरे लाइन में आते हैं। सपोज हम लोग इस लाइन में लिख रहे हैं, इस लाइन के बाद हम लोग को इस लाइन में आने के लिए हम लोग इंटर की यूज़ करते हैं। उसके बाद है कैप शिफ्ट की हेल्प टू टाइप सिंबल मार्क ऑन द अपर हाफ ऑफ सम कीज, ये हम लोग को सिंबल या फिर मार्क को टाइप करने में मदद करता है। स्पेस बार की, स्पेस बार भी की क्या किस लिए यूज़ होता है, जैसे हम लोग ये वर्ड लिखे हैं तो इस वर्ड के बीच में जो वर्ड टाइप कर रहे हैं तो वर्ड्स के बीच में जो गैप्स होता है, जो स्पेस होता है उसको देने के लिए स्पेस बार की यूज़ होता है। उसके बाद कैप्स लॉक कीज हेल्प्स टू टाइप इन कैपिटल्स, कैप्स लॉक की क्यों यूज़ होता है, कैप्स लॉक की इसलिए यूज़ होता है जब हम लोग कुछ लिख रहे हैं स्मॉल कैपिटल का जब यूज़ करना है और हम लोग को फिर कुछ कैपिटल में लिखना है तो उसके लिए हम लोग कैप्स लॉक की को यूज़ करते हैं ताकि वो जो अल्फ़ाबेट्स है वो हमारा कैपिटल में लेटर में आए। ओके, उसके बाद आते हैं हम लोग माउस पर। द माउस हेल्प्स अस टू पॉइंट एट ऑन स्क्रीन ऑब्जेक्ट्स एंड गिव इनपुट्स टू द कंप्यूटर बाय क्लिकिंग ऑन इट्स बटन। माउस क्या है, माउस के हेल्प से हम लोग जो स्क्रीन पर जो मॉनिटर पर जो एक एरो होता है उसको क्लिक करके जो क्लिक करके अलग अलग तरह अलग अलग डायरेक्शंस अलग अलग इंस्ट्रक्शन को क्लिक करके उसमें क्या है एरो से क्लिक करो, एरो से क्लिक करने के बाद उसका इंस्ट्रक्शन उसमें फॉलो हो जाता है। उसके बाद उसमें थ्री बटन्स रहते हैं, राइट माउस बटन, स्क्रॉल व्हील और लेफ्ट माउस बटन, ठीक है। ये स्क्रॉल माउस में आता है, स्क्रॉल माउस में तीन बटन होते हैं, एक होता है राइट माउस बटन, एक होता है लेफ्ट माउस बटन और एक बीच में होता है स्क्रॉल व्हील जो कि ऐसे ऐसे करके रोल होता है, ठीक है। उसके बाद है जॉयस्टिक, जॉयस्टिक क्या है, द जॉयस्टिक इज एन इनपुट डिवाइस विच इज यूज फॉर प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स। जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है जिसके थ्रू हम लोग कंप्यूटर गेम्स जो होता है कंप्यूटर में जो गेम्स खेलते हैं बच्चे लोग या बड़े लोग जिनको जो खेलते हैं उनके लिए जॉयस्टिक होता है। वी कैन मूव इट्स स्टिक टू गिव इनपुट टू द कंप्यूटर, हम लोग कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शन देने के लिए जॉयस्टिक को मूव करते हैं, ठीक है। उसके बाद है माइक्रोफोन, द माइक्रोफोन हेल्प्स टू मेन इनपुट साउंड इनटू द कंप्यूटर, माइक्रोफोन हेल्प करता है जो साउंड जो हम लोग या कमांड जो हम लोग कंप्यूटर को देते हैं उसके लिए माइक्रोफोन्स यूज होता है। द इनपुट साउंड कैन बी रिकॉर्ड विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर लाइक साउंड रिकॉर्डेड प्रोग्राम ऑफ द एसेसरीज मेन्यू, अगर हम लोग ये इनपुट डिवाइस में जो साउंड डालते हैं जो कमांड देते हैं या जो बोलते हैं वो अगर हम रिकॉर्ड करना चाहें तो वो हम रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। उसके बाद है स्कैनर, अ स्कैनर इज अ हार्डवेयर दैट कैप्चर्स इमेजेस फ्रॉम पेपर एंड इनपुट्स इन देम इनटू द कंप्यूटर। स्कैनर क्या करता है, जो पेपर पर जो किसी भी पेज पर पेपर पर जो प्रिंट रहता है उसी को वो स्कैन कर लेता है, उसका वो पिक्स ले लेके वो कंप्यूटर में डालता है या फिर हमें चाहिए तो हमें हम प्रिंटर से निकाल लेते हैं स्कैन करने के बाद। उसके बाद आते हैं वेब कैमरा, जो वेब कैमरा इज एन इनपुट डिवाइस दैट हेल्प टू कैप्चर मूवीज
moving images, videos to send them to different people through the internet. ये जो वेब कैमराज है ये इंटरनेट के थ्रू जो होता है वीडियोस या फिर कुछ रिकॉर्ड करने के लिए या फिर मूविंग ऑब्जेक्ट से वेब कैम से के थ्रू हम लोग बातें भी कर सकते हैं, दूर में एक दूसरे को देख भी सकते हैं, है ना। टाइप्स ऑफ इनपुट, अब इनपुट का कितना टाइप्स होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा इन टू द कंप्यूटर। The system unit is the main part of computer system. It has many buttons, drives and port on it. ठीक है? This is ये जो है ये हमारा सीपीयू है, ये हमारा इसमें क्या क्या होता है, दिस इज द सीडी डीवीडी ड्राइव आर हियर इंसर्ट। यहाँ पर सीडी डीवीडी कुछ भी हम लोग डाल सकते हैं, यहाँ फ्लॉपी डिस्क डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ जो हम लोग यूएसबी डाल सकते हैं, यूएसबी अटैच कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ हमारा पावर बटन है और यहाँ क्या होता है, यहाँ पर होता है हमारा कंप्यूटर को रिस्टार्ट और फिर ब्लॉक या फिर रोकने के काम आता है, ठीक है। उसके बाद दिस इज़ अ पेन ड्राइव इंसर्टेड, और ये एक पेन ड्राइव है जो जो कि यूएसबी में इंसर्ट किया जाता है ना। यहाँ पर इनसाइड द यूनिट सिस्टम, इनसाइड द सिस्टम यूनिट, द सिस्टम यूनिट कंटेंस मैनी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इनसाइड इट। The most important part that is found inside the system unit is central processing unit. जो सबसे important part है computer का वो अंदर में वो है इसका CPU, central processing unit. The CPU is the main part of the computer. It helps to process the input data and command to give output. जो सीपीयू है ये मेन पार्ट है, ये जो है इनपुट को लेके आउटपुट को देता है, जो इनपुट डाटा हमें मिलता है, जो इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर्स को मिलता है उस ये कंप्यूटर्स का में सीपीयू ही जो है जो कि आउटपुट देता है, ठीक है। सीपीयू इज ऑल्सो नोन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, इसको हम लोग कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं, कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं। कंप्यूटर में मॉनिटर के पास दिमाग नहीं होता, कंप्यूटर में दिमाग होता है सीपीयू के पास। रैम और रैंडम एसएस मेमोरी इज द कंप्यूटर मेन मेमोरी। कंप्यूटर का मेमोरी को क्या बोलते हैं हम लोग, रैम बोलते हैं। इट हेल्प्स द सीपीयू इन प्रोसेसिंग द इनपुट डाटा, ये सीपीयू को इन हेल्प करता है ताकि जो सीपीयू प्रोसेसिंग में आ सके। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग क्या है इसको हम लोग समझते हैं पहले। यू गिव कमांड थ्रू अन इनपुट डिवाइस लाइक कीबोर्ड, हम लोग इनपुट डिवाइस में के थ्रू कमांड देते हैं या कीबोर्ड के थ्रू या फिर माउस के थ्रू। द कीबोर्ड पासेस द इनपुट द कंप्यूटर्स CPU, और कंप्यूटर क्या करता है इसको CPU को देता है। द CPU इनसाइड द सिस्टम यूनिट हेल्प्स टू प्रोसेस दिस कमांड विद द हेल्प ऑफ रैम, और ये जो CPU है ये रैम के थ्रू इस कमांड को प्रोसेस करता है। द फाइनल रिजल्ट गिवन बाय CPU आफ्टर प्रोसेसिंग द इनपुट और पासिस आउट द आउटपुट डिवाइस, और जो रिजल्ट होता है वो उसका आउटपुट वो किससे देता है, आउटपुट दे देता है। और ये आउटपुट देने के लिए सीपीयू किसका हेल्प लेता है, मेमोरी रैम का हेल्प से, रैम के हेल्प से वो जो रिजल्ट दे देता है प्रोसेसिंग करके। यू सी द आउटपुट ऑन आउटपुट डिवाइस लाइक द मॉनिटर, हम जो आउटपुट जो आता है वो हम कहाँ पर देख पाते हैं, वो आउटपुट डिवाइस में, मॉनिटर में। अब पढ़ते हम लोग आउटपुट डिवाइस के बारे में, आउटपुट डिवाइसेस क्या है। वेन प्रोसेसिंग इज कम्प्लीट द कंप्यूटर गिव्स द रिजल्ट और आउटपुट थ्रू द आउट कंप्यूट
आउटपुट डिवाइसेस मॉनिटर प्रिंटर स्पीकर हेडफोन्स आर सम ऑफ द आउटपुट डिवाइसेस। जब प्रोसेसिंग हो जाता है जब वर्क्स हो जाता है जो वर्क हम लोग करने देते हैं कंप्यूटर में जो भी प्रॉब्लम्स होता है जो उनका सॉल्यूशन कहाँ आता है प्रिंट मॉनिटर पर आता है प्रिंटर पर लेते हैं स्पीकर पे हेडफोन पे ये सब हम लोग का आउटपुट डिवाइसेस है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग मॉनिटर के बारे में। द मॉनिटर इज द टेलीविजन लाइक आउटपुट डिवाइस ऑफ कंप्यूटर दैट गिव्स विजुअल आउटपुट इन फॉर्म ऑफ टेक्स्ट पिक्चर एंड वीडियो। मॉनिटर्स आर टू मेन टाइप्स। मॉनिटर जो है एक टीवी के तरह का एक टेलीविजन टाइप है। इसमें क्या है हम लोग पिक्चर्स देख सकते हैं वीडियोस देख सकते हैं। मॉनिटर्स दो टाइप के होते हैं ठीक है। अब मॉनिटर्स कौन कौन सा मॉनिटर होता है। सीआरटी मॉनिटर। सीआरटी स्टैंड्स फॉर कैथोड रे ट्यूब। और उसके बाद है एलसीडी मॉनिटर। एलसीडी मॉनिटर फॉर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एंड एलईडी मॉनिटर। एलईडी स्टैंड फॉर लाइट एमिटेड डायोड ठीक है। एलसीडी मॉनिटर आर थिनर एंड लाइटर देन सीआरटी मॉनिटर। सीआरटी मॉनिटर थोड़ा हैवी है बहुत ज़्यादा हैवी और मोटा और रहा। दे ऑल्सो कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी देन। और ये इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता था। तो जो एलसीडी मॉनिटर है ये इलेक्ट्रिसिटी भी कम कंज्यूम करता है ना। और हल्का भी है आर सी आर टी मोनिटर से। उसके बाद अ प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस दैट इज़ यूज फॉर प्रिंटिंग पिक्चर्स ग्राफिक्स एंड टेक्स्ट आउटपुट ऑन पेपर। प्रिंटर आर ऑफ थ्री मेन टाइप्स। प्रिंटर जो है वो हम लोग को प्रिंट करने में हेल्प करता है किसी भी तरह का ग्राफिक्स को किसी भी तरह का पिक्चर्स को प्रिंट करने में हेल्प करता है। तो प्रिंटर्स थ्री टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से प्रिंटर्स होते हैं। इंजेक्ट प्रिंटर लेसर प्रिंटर डॉट मैट्रिक्स ठीक है। प्रिंटर्स कितने टाइप के होते हैं। इंजेक्ट लेसर डॉट मैट्रिक्स। जो इंजेक्ट प्रिंटर वर्क फास्ट एंड गिव गुड क्वालिटी आउटपुट। इंजेक्ट ये जो इंजेक्ट प्रिंटर है इसमें बहुत जल्दी वर्क होता है और एक अच्छा आउटपुट मिलता है एक अच्छा प्रिंट हमको मिलता है। लेसर प्रिंटर वर्क वेरी फास्ट एंड गिव अ वेरी गुड क्वालिटी आउटपुट। ये अभी वर्क बहुत जल्दी करता है और बहुत जल्दी आउटपुट देता है। फिर डॉट मैट्रिक्स। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स आर नॉइसी एंड स्लो। ये जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है ये आवाज़ करता है और स्लो वर्क करता है। तो ये दोनों प्रिंटर जो है ये फास्ट वर्क करते हैं बट ये जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है ये आवाज़ भी करता है और इसका वर्क भी है जो प्रिंट करता है ये स्लो करता है। उसके बाद आते हैं हम लोग स्पीकर्स पे। द कंप्यूटर गिव साउंड आउटपुट थ्रू अ स्पीकर व्हेन वी प्ले अन ऑडियो सीडी और यूज अन एजुकेशनल सीडी वी नीड टू कनेक्ट द स्पीकर टू द कंप्यूटर टू हियर द साउंड। जो कंप्यूटर्स में जो स्पीकर होता है इसमें हम लोग क्या यूज़ किस लिए यूज़ करते हैं स्पीकर्स को ताकि हम लोग जो साउंड है उसको सुन सकें। उसके बाद हेडफोन्स। हेडफोन्स गिव साउंड आउटपुट ओनली इन हेयर ऑफ द पर्सन वियरिंग इट। और जो हेडफोन है जो स्पीकर में तो जब साउंड आता है तो बगल में जहाँ जितना लोग होता है उतना सुन पाते हैं पर जो हेडफोन्स होता है वो कान में लगा के जो हेडफोन लगाया है ओनली वो सुनता है अदरवाइज कोई नहीं सुनता। अगर हमको पर्सनली कुछ मूवीज़ या कुछ देखना और अगर किसी और को डिस्टर्ब नहीं करना रहता तो हम हेडफोन्स यूज़ करते हैं है ना। टाइप ऑफ आउटपुट। डिफरेंट आउटपुट डिवाइसेस गिव आउट डिफरेंट टाइप ऑफ आउटपुट। अलग अलग टाइप का आउटपुट जो होता है अलग अलग डिवाइसेस अलग अलग टाइप का आउटपुट होता है।
ठीक है, ये हमारा लेसन कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। डिफाइन इनपुट एंड आउटपुट द कंप्यूटर पार्ट दैट हेल्प्स यू टू एंटर इनपुट इनटू कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट डिवाइस एंड अ कंप्यूटर सिस्टम एक्सेप्ट इनपुट डाटा एंड कमांड प्रोसेसेस इट एंड गिव द आउटपुट। ओके, what is meant by processing? The computer accept, examines and calculates the result. This is called processing. ठीक है, दो क्वेश्चन हो गया। Come to the third question. Come to the third question. Name any four input and output devices. Keyboard, mouse, joystick, microphone are some input device. Monitor, printer, speaker, headphones are some output devices. Define system unit. The system unit is the main part of computer system. It has many buttons, drives and port on it. This is our lesson to computer system and input device and output device is complete. If you have any question, any doubt, you may write it and comment it. Okay, thank you. Stay home, stay safe.